नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमलनाथ दिग्विजय सिंह और सिंधिया के नाम है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ आए तो थे कमल सरकार को चुनौती देने, लेकिन मध्य प्रदेश की कांग्रेस की गुटबाजी में बोलस कर रह गए। यह चुनावी वर्ष है और दोनों दल, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, वह मालवा और बुंदेलखंड पर अपनी नजर गड़ाए हैं। ऐसे में कमलनाथ ने अभी हाल में ही अपना कुनबा तैयार किया है। कुनबे में उन्होंने बुंदेलखंड के कद्दावर नेताओं को शामिल किया है, लेकिन गुटबाजी साफ साफ देखी जा सकती है। दिग्विजय सिंह के प्रभु सिंह को लिया गया है तो सिंधिया के गोविंद राजपूत को तवज्जो दी गई है, तो वहीं कमलनाथ के हर्ष यादव को पार्टी में पद से नवाजा गया है। तो ऐसे में जब गुटबाजी उभर कर सामने आएगी तो यही कांग्रेस के सुरेश पचौरी, अरुण यादव और सत्यव्रत की हो पाएगी, यह तो वक्त रहते ही पता चलेगा। तो देखिए खास खबर सागर एक्सप्रेस न्यूज पर। राहुल गांधी की टीम के साथ कमलनाथ ने भी अपने कुनबे का ऐलान कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद यह कमलनाथ की दूसरी सूची है। भाजपा और कांग्रेस मालवा के बाद बुंदेलखंड में अपनी ताकत का विस्तार कर रही है। बुंदेलखंड के सागर जिले में लगातार दो चुनाव हारने के बाद सिंधिया अपने प्रदेश के सबसे बड़े समर्थक गोविंद राजपूत को प्रदेश से उठाकर दिल्ली ले गए, जहां उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का उन्हें सचिव बनाया है। तो कमलनाथ की टीम से पहले इसी सागर से दिग्विजय सिंह की सरपरस्ती करने वाले सुरेंद्र चौधरी को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, तो कमलनाथ की दूसरी सूची में दिग्विजय सिंह के खासम खास बीना के पूर्व मंत्री प्रभु सिंह को प्रदेश महासचिव का पद मिला है, जबकि कमलनाथ अपने ही गुट के हर्ष यादव को प्रदेश महासचिव बनाते हैं। तो सागर की राजनीति से दूर रहने वाले प्रकाश जैन, जो कमलनाथ के लेफ्ट हैंड माने जाते हैं, उन्हें भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया जाता है। सूत्र बताते हैं कि दिग्गी और कमलनाथ एक हैं, तो ऐसे में दोनों नेताओं के समर्थकों को पद देकर ताकत बल बनाया गया है, जबकि अलग पड़े सिंधिया अपनी दम पर अपने समर्थकों को 10 जनपद से पद दिलाकर शेर और सवा शेर का खेल खेल रहे हैं। ऐसे में कहा जाता है कि कमलनाथ के राज में दिग्गी सिंधिया और उनकी और उनके समर्थकों की चाबी है, जबकि पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव, सुरेश पचौरी, सत्यव्रत चतुर्वेदी के साथ अजय सिंह और उनके समर्थकों के हाथ खाली हैं और इसी कांग्रेस में उनके समर्थकों को ज्यादा पद नहीं दिए गए। भाजपा की सरकार है, जहां विकास कार्यों के दम पर भाजपा जनता के नजदीक से और नजदीक जा रही है, तो कांग्रेस की गुटबाजी के चलते कांग्रेस से ही दूर जाती दिख रही है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।